हेलो फ्रेंड्स, देखिए हमें कैसे एक ड्राइव को दो पार्ट में डिवाइड करना है उसके बारे में सीखेंगे। ये हमारी सी और डी दो ड्राइव है। डी ड्राइव को दो पार्ट में बांटना है। डी ड्राइव का स्पेस 299 GB है। इसको दो पार्ट्स में हमको डिवाइड करना है। इसके बारे में हम यहाँ बहुत ही इजी वे में सीखेंगे। बहुत ही आसान तरीका है, ज़्यादा टफ नहीं है। डायरेक्ट की इसे कोई भी कर सकता है। तो देखिए दोस्तों, इसको कैसे पार्टीज अलग डिवाइड करना है देखेंगे। हमारे यूरेक्सो चैनल को सब्सक्राइब करें लेटेस्ट अपडेट्स के लिए, न्यू क्लासेस के लिए। इसमें बहुत सारी वीडियोस अलग अलग तरह की आती रहती हैं। आप ज़रूर सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जाएंगे विंडो में, कंप्यूटर। कंप्यूटर में देखिए आप, हमारी सी और डी दो ड्राइव है। डी ड्राइव जो है वो हमारी 299 GB की है अप्रोक्सीमेट। इसको डिवाइड करना है। जाए विंडो पे, कंप्यूटर राइट क्लिक करें, कंप्यूटर पे मैनेज, मैनेज पे क्लिक कर दें तो ऐसा विंडो आएगा खुल करके। इसमें डिस्क मैनेजमेंट देखेंगे आप, लेफ्ट साइड में डिस्क मैनेजमेंट पे क्लिक करें। देखिए यहाँ पे इस तरह का पेज खुल के आया। सी और डी दो ड्राइव है। डी ड्राइव को हमको दो भाग में डिवाइड करना है। इस डी ड्राइव को जिसका स्पेस 299 है, राइट क्लिक करें डी पे और श्रिंक वॉल्यूम दिखेगा आपको नीचे, इस पर श्रिंक वॉल्यूम पे क्लिक करें। तो ये तो 2 मिनट से भी कम, 2-3 सेकेंड लेगा और ये श्रिंक वॉल्यूम हो करके दिखा देगा ऐसा। यहाँ पर आप सब कुछ देखें, पढ़ें, इसको लिखा हुआ है टोटल साइज बिफोर श्रिंक इतना है 306938। ओके, तो इतना स्पेस जो 299 GB था वो लगभग 306 GB है लगभग। ये इसको अगर हम जीबी में कन्वर्ट करेंगे, ये एमबी में है तो 1000 से डिवाइड करना होगा। और साइज़ अवेलेबल है जो श्रिंक इतना ही हो सकता है, इससे कम और कम ही श्रिंक होगा, इससे ज़्यादा श्रिंक नहीं हो सकता है। ये दिखा रहा है साइज़, सजेस्ट कर रहा है आपको साइज़ इतना साइज़ रखें। और टोटल साइज़ है जो श्रिंक होने के बाद वो 159 GB होगा। श्रिंक कितना हो सकता है, 147 GB के आसपास, इससे ज़्यादा नहीं है। तो हम इतना ही बनाएंगे, 147 GB का स्पेस। ओके, 147 तक साइज़ अवेलेबल है, इससे कम बना सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं, इसलिए हम इतना ही रखेंगे। और टोटल इतना वॉल्यूम होगा इसका। और सीधे हम इसके बाद इतना साइज़ रख के, जितना मिनिमम दिया होगा उतना ही रखिए आप। कम करना है कम कर दें, ज़्यादा ना करें। ओके, तो इसको श्रिंक करेंगे हम। श्रिंक करने के बाद देखिए थोड़ा सा टाइम लेगा और ये श्रिंक हो गया और ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया। देखिए 143 GB, 147 और 143 अप्रोक्सीमेट, ये अनएलोकेटेड स्पेस है। ओके, ये डी इतना बच गया, बाकी एक अलग अनएलोकेटेड स्पेस है। इस पर राइट क्लिक करेंगे और न्यू सिंपल वॉल्यूम पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट कर दीजिए। और ये बता रहा है कि कितना स्पेस है इसका। उसके बाद नेक्स्ट पे अगेन क्लिक करेंगे, सेम स्पेस होगा। नेक्स्ट पे अगेन क्लिक करेंगे और यहाँ से आप ड्राइव का लेटर चेक चूज़ कर लें। जैसे हमने कोई लेटर चूज़ करता हूँ एस, एस चूज़ करने के बाद बाकी ऐसे ही रहने दें, नेक्स्ट कर दें। ये सारी सेटिंग ऐसे ही रहने दें, कोई चेंज ना करें, और नेक्स्ट कर दें और फिनिश। देखिए दोस्तों, ये हमारा श्रिंक होने के बाद एक नया स्पेस बन गया है जिसका नाम है एस ड्राइव। क्लियर, तो एस ड्राइव हमारी बन के तैयार हो गई है। ये ओपन कर दीजिए एस ड्राइव को, बोलेगा ओपन करने के लिए, ओपन कर लीजिए। कभी कभी फॉर्मेटिंग के लिए बोलता है, आप फॉर्मेट भी कर सकते हैं। देखिए ये डी ड्राइव, ये एस ड्राइव हमारी बन गई नई। इसका स्पेस 143 GB है, बाकी बचा डी ड्राइव का स्पेस है। तो कितनी आसानी से हमारा दो पार्टीशन में एक ही ड्राइव डिवाइड हो गई है। बहुत इजी वे था।
दोस्तों इस तरह से हम किसी भी और भी पार्टीशन करना हो तो और भी डिवाइड कर सकते हैं। इसके बाद हम